नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहली खबर बहराइच से ही, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और इसे लेकर सीएम योगी ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने कई कड़े निर्देश और आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहराइच में भारी हंगामे के बाद ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है। महसी इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बहराइच में हुए बवाल पर विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा है। बहराइच की मासी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बवालियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा की गारंटी सभी को है, लेकिन दंगाइयों और जिनकी लापरवाही के कारण घटना हुई उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना हुई। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा मचा दिया। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन आगजनी और हिंसा की वजह से माहौल और गर्मा गया। एसपी और कांग्रेस अब बहराइच में बवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? पत्रियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं? देश दंगों की एक झड़ी सी लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है, उसमें पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था, जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे। कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे, और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेलियर है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बहराइच में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। और मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सुशासन के मामले में हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है पूरे प्रदेश और देश में, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं समाजवादी के लोग, थोड़ा ये भी देख लें कि जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आज INDA का हिस्सा हैं। उनके सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकार है, चाहे झारखंड है, चाहे कर्नाटक है, निरंतर उन राज्यों में सरकार होती है, उन सरकार में इतनी घटना उन सरकारों में हो रही है। तो SP सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख जताया है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं योगी सरकार और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहां तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन देखिए, मैं मुख्यमंत्री से धन्यवाद दूंगा कि घटनाएं हैं उसमें सीधे संज्ञान में लेकर उस पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की, तोड़फोड़ और लूटपाट की। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और BJP विधायक के समझाने पर युवक का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 2 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इसी बीच कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बहराइच की घटना को लेकर एसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सबके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे नतीजे मिले, तब से ही कट्टरपंथियों के मन बढ़े हुए हैं। तो आखिर ये हिंदुओं के त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं के निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इन कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवल हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी भी हैं। और वहीं अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि कहां किससे किस स्तर पर चूक हुई है। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। कल दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपना फॉर्मूला सेट कर लिया है। एनडीए के सहयोगी दल भी अब 10 सीट पर एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं एसपी का कहना है कि वो अपने कोटे की 5 सीट तो जीतेगी ही, एनडीए की 5 सीट भी कब्जा करने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला सेट कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में 8 सीट्स पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए। वहीं एक सीट मझवा पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर उतारा जा सकता है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई। यूपी में उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक हाई लेवल बैठक हुई और उसमें सीधे तौर पर तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी जानी है, लेकिन वही संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी सीधे तौर पर दावा कर रही थी 2 सीटों का। हालांकि आज निषाद पार्टी के सुर बदले हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में यानी कि जो एनडीए की बैठक होगी उसमें सीटों का फार्मूला तय होगा। पिछले दिनों बीजेपी कोर कमेटी ने जिन नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था उन पर चर्चा के बाद एक एक नाम को अंतिम रूप दिया गया है। बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ी है। वहीं मझवा सीट पर बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की मुहर के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी नए चेहरों को उतार सकती है। बीजेपी की हाई लेवल बैठक के बाद संजय निषाद ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। हालांकि संजय निषाद जहां 2 सीट की डिमांड कर रहे थे तो वहीं अब उनके सुर बदले हुए। उनका कहना है कि सभी 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। उपचुनाव के 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपने सम्मान की लड़ाई के लिए टोपी झंडा लेके आया। अब भारतीय जनता पार्टी निषादों को हक दे रही है, आगे भी देगी। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी उसमें वो तय किया होगा। अभी एनडीए की बैठक जब होगी, क्योंकि दल हैं तो दल तो बैठक करेंगे। अब एनडीए में हम नेतृत्व से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में दिल्ली नेतृत्व बात करेंगे और निश्चित रूप से अच्छे बैठक। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों का जिक्र किया और सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है।
सभी 10 सीट बीजेपी के खाते में आने वाली है। चुनाव अच्छा रहेगा, समाजवादी पार्टी मजबूती से उतर रही है, लड़ेगी और आप देखिएगा सबसे अधिक सीट हम जीतेंगे। जो आप लोग लगातार शक शुभा व्यक्त करते रहे वोटर लिस्ट से लेकर तमाम चीजों को लेकर के, क्या सपा अब जो सही है काट निकाल रहे हैं, जो है उसी में हम अपना खोज रहे हैं, हम अपनी कतार और जमात कैसे मजबूत करेंगे। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जिस तरीके से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता गया है, उसको लेके मैं 100% कह सकता हूं कि 10 की 10 सीटों में से 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी और निश्चित ही एक मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आगे काम करेगी। बीजेपी सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन 10 विधानसभा सीटों पर महज 3 सीटों पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं एक सीट गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोक दल की है। बाकी बची 5 सीटों पर एसपी का कब्जा है। एसपी अपने पाले की सीटों पर फिर से कब्जा कर एनडीए कोटे की सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हरियाणा की जीत ने यूपी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा बूस्ट दिया है। पार्टी अब हरियाणा वाली रणनीति को प्रदेश के चुनावी मैदान में आजमाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी और उनकी टीम सभी सीटों पर कमल खिलाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी सोच समझ कर किए जाने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है और उस पर दिल्ली में मंथन हो गया है। अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक दूसरी होनी है, उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सामने आएगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने गौ सेवा को कैंसर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्पेशल इलाज बता दिया। उन्होंने कहा कि गाय की पीठ पर सुबह शाम हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वहीं अगर गौशाला में साफ सफाई की जाए, वहां लेटा जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। वो नगर पंचायत पकड़िया नौगवां में एक गौशाला के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे, जहां पर अपना वो ज्ञान दिया उन्होंने। ये टेस्ट करना है तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज जो अगर गाय के जहां जिसे हम लोग सार कहते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है।